प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के खत्म होते ही प्रदेश की जनता के नाम संदेश जारी किया। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा की जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने लिखा, हरियाणा की जनता जनार्दन जानती है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी है। बापू बेटे की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस का मतलब दलाल और दामाद का सिंडिकेट है। मोदी ने लिखा, अब से कुछ देर में हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की। मैंने लोगों का जो उत्साह देखा, उसे देखकर मुझे ये पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग बीजेपी को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया। हमने सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, गांव और शहरों का विकास हो, हमने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हम हरियाणा को कांग्रेस के घोटालों और दंगों वाले दौर से बाहर निकाल कर लाए हैं। लोग आज हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस सरकारों की विफलता भी देख रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं और इसीलिए हरियाणा के लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते। हरियाणा की जनता यह जानती है कि कांग्रेस कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती। हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये हाल तब है जब ये विपक्ष में है। हरियाणा के लोगों को इस बात से भी चोट पहुंच रही है कि दिल्ली और हरियाणा में बैठे दो खास परिवारों के इशारों पर पूरी हरियाणा अपमानित हो रहा है। पीएम बोले, कांग्रेस के नेताओं ने आरक्षण खत्म करने का बयान देकर अपने इरादे जता दिए। हरियाणा का पिछड़ा और दलित समुदाय जातिगत हिंसा रोकने में विफल रहने पर पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहा है और इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को फिर कड़ी सजा देने का मन बना लिया। हरियाणा की गली गली से एक आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। दुनिया भारत की ओर बहुत आशा और उम्मीद से देख रही है। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा के लोग एक ऐसी सरकार चुने जो भारत को मजबूती देने की दिशा में प्रयास करे। कांग्रेस कभी देश को मजबूत नहीं बना सकती, इसलिए मैं हरियाणा के अपने मतदाताओं से यह आग्रह करता हूं कि वे फिर से भाजपा को अपना आशीर्वाद जरूर दें। वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे अशोक तंवर फिर एक बार कांग्रेस में शामिल हो गए और इस दौरान राहुल गांधी, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अशोक तंवर ने कहा कि उन्होंने ठीक 5 साल पहले पार्टी छोड़ी थी और उसी दिन वापस शामिल हुए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।